एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाब। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल से ही इंटरनेट मीडिया और न्यूज़पेपर्स वगैरह में बहुत बड़ी न्यूज़ एक बार बार फ्लैश हो रही है कि यूजीसी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो नेट, सेट या स्लेट कर दिया गया है। तो ये जो नोटिस था वो जुलाई 5 का था, यानी कि कल की डेट का ये नोटिस था, लेकिन आज यूजीसी ने इसके ऊपर एक क्लेरिफिकेशन दिया है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे कि अगर हमारे पास CSIR नेट है तो फिर हम आसानी से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, और बहुत सारे PhD के स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे जिनका नेट स्लेट वगैरह क्वालिफाइड नहीं था, वो ये सोच रहे थे कि अब अगर हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो हमारे पास वापस नेट की रिक्वायरमेंट हमें ज़रूरी होगी। लेकिन आज UGC ने इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर कोई स्टूडेंट मास्टर्स डिग्री लिए हुए है तो उसके पास UGC नेट, स्लेट या सेट मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट PhD डिग्री होल्डर है और उसकी डिग्री UGC रेगुलेशन के हिसाब से है तो वो भी एलिजिबल है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे। दूसरी चीज़, असिस्टेंट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम UGC नेट, स्लेट या सेट, यानी कि जो स्टूडेंट्स PhD किए हुए हैं UGC रेगुलेशन के हिसाब से उनको नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड इन अ गिवन डिसिप्लिन HEIs कैन यूज सूटेबल क्राइटेरिया गिवन इन द रेगुलेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। जिस तरीके का जितनी एप्लीकेशंस रिसीव हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की किसी पोस्ट के हिसाब से, वहाँ पे वो जो भी कमिटी है वो डिसाइड कर सकती है कि क्या वो रेगुलेशंस या क्या रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन फिर से मैं बता दूं, समझा दूं इसको कि अगर मास्टर्स डिग्री है तो आपके लिए नेट, सेट या स्लेट होनी ज़रूरी है, लेकिन अगर आप PhD डिग्री लिए हुए हैं UGC रेगुलेशन के हिसाब से है वो डिग्री तो आपको नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये देखिए, ये एक PDF भी अपलोड किया गया है UGC की तरफ से। मैं ऑलरेडी ये PDF डाउनलोड कर चुका हूँ। मैं इस PDF को अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशनड है। तो यहाँ पे आप अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये देखिए, क्लैरिफिकेशन ऑन UGC रेगुलेशंस मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज़। अब आपको पता ही होगा कि UGC रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू 2018 अमंग अदर थिंग्स मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। 2018 में UGC रेगुलेशंस 2018 में मिनिमम क्वालिफिकेशंस बताई थी, और उसमें कहा गया था कि मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट बाय द रेगुलेशंस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इज नेट, सेट एंड स्लेट, ये बताया गया था। हाउएवर क्लॉज 3.10 ऑफ UGC रेगुलेशन 2018 ऑल्सो सेज दैट PhD degree shall be mandatory qualification for the direct recruitment to the post of assistant professor in the universities effective from 1/7/2021। यानी कि 1/7/2021 से PhD degree को mandatory किया गया था और इस चीज़ को extend कर दिया गया था 1 जुलाई 2023 तक, और 1 जुलाई 2023 तक 23 को ये क्लॉज अमेंड कर दिया गया था जहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड नेट, सेट या स्लेट को मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ये एक यानी कि 1 जुलाई 2023 को ये अमेंड किया गया था। अब जो फाइनल, यानी कि जो इसके पीछे काफ़ी बवाल हुआ या इसको मिसअंडरस्टूड किया गया, लोगों ने इसको समझ नहीं पाए हैं, तो फाइनली आज UGC ने दोबारा से इस चीज़ को क्लैरिफाई किया है। देखिए यहाँ पे लिखा है, अ मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड ऑन पॉइंट स्केल वेर एवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड इन अ कंसर्न रेलिवेंट अलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी बिसाइड्स फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेट कंडक्टेड बाई UGC और CSIR और सिमिलर टेस्ट एक्रेडिटेड बाई द UGC लाइक स्लेट, सेट और हु आर और हैव बीन अवॉर्डेड PhD डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने PhD डिग्री भी ले रखी है UGC के अकॉर्डिंग 2009 या 2016 के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, वो एग्जेम्प्टेड हैं नेट के क्वालिफिकेशन से। यहाँ पे देखिए लास्ट में ये भी लिखा हुआ है, ये इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव UGC अमेंडमेंट दैट द जनरल कंडीशन क्लॉज 3.10 विच स्टिपुलेट्स PhD एज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फ्रॉम 1 जुलाई 2023। द डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन अंडर वेरियस डिसिप्लिन आर नॉट अमेंडेड।
अब इसके मतलब क्या हो गया, इट इज़ मैंशनड क्लियरली दैट नेट स्लेट एंड सेट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स फॉर दोज हु हैव नॉट कम्प्लीटेड अ पीएचडी डिग्री। जिनके पास पीएचडी डिग्री नहीं है सिर्फ वही उन्हीं के लिए नेट सेट या स्लेट जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जिन स्टूडेंट्स के पास पीएचडी डिग्री है यूजीसी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वो एग्जेम्प्ट किए जाते हैं नेट स्लेट या सेट से एंड दे आर एलिजिबल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उम्मीद है कि ये अब जो कॉन्सेप्ट है जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर कर दी है यूजीसी ने, और अब जो भी नए जॉब्स निकलेंगे उसमें पीएचडी अगर आपने यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से कर रखी है, आपका नेट क्वालिफाइड नहीं भी है जो कि होना चाहिए, आई बिलीव सभी जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं उनको नेट क्वालिफाई कम से कम कर देना चाहिए क्योंकि कब नॉर्म्स वगैरह चेंज होते रहे कुछ नहीं कह सकते, इसीलिए अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यूजीसी ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे दिया है। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।